आज हम अखाड़े में आए हैं, सबसे पहले हम आपको अखाड़े की वो तपोस्थली जहाँ पर कुश्ती के विषम पिता में गुरु हनुमान जी जहाँ पर रहकर तपस्या करते थे, खिलाड़ियों को अपना ज्ञान देते थे, यहाँ से सैकड़ों हजारों पहलवान तैयार हुए हैं। अभी हम गुरु हनुमान जी के रूम में चलते हैं। वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुश्ती में लगा दी, आदरणीय महा सिंह राव जी, जिनको भारत सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया है। मैं कहता हूँ कि कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने पूरा जीवन ही कुश्ती के लिए लगा दिया। तो मैं कोचाब से निवेदन करूँगा कि गुरु हनुमान जी का जो तपोस्थल है, जो रूम है, उसको एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। दोस्तों, आप ये देखोगे कि एक ऐसा रूम है, मैं बल्कि सरकार से निवेदन करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि ऐसे जो हो विभूतियां हैं, जो महान चीजें हैं, महान आकृतियां हैं, इनको एक विशेष संग्रहालय के रूप में जो है सरकार इनको संभाल के रखे और आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको दिखा पाए। तो कुछ सब इसके अंदर आप बताइए क्या क्या विशेष चीजें हैं, गुरु जी का किन किन चीजों से लगाव था और क्या क्या प्राचीन चीजें हैं यहाँ पर। देखिए गुरु जी का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कमरे में पूरा जीवन उनका व्यतीत रहा। वो हमेशा सुख सुविधाओं से दूर हट करके एक ऐसा संत कहा जाए कि ब्रह्मचर्य का, जो कहते हैं ना पुराने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भाई वो फलाना योगी ने इतनी बड़ी तपस्या की, उनसे बड़ा कुश्ती के अंदर कोई तपस्वी नहीं हो सकता। मतलब इस कमरे में पहले एसी भी था, ये जो लग रहा है पहले इस साइड में एसी था, एसी भी वो कभी नहीं चलाते थे, वो एक खाली चारपाई के ऊपर मूज की चारपाई होती थी। लोग कहते थे जी आपको बेड दे दें और दे दें, वो कहता नहीं, यही एक चारपाई होती थी। इसी कमरे में उनका ये संग्रहालय है और ख़ास करके वो जितनी भी पहलवानों की जो चीज़ें होती थी कि भाई आज कोई पहलवान जीत करके आया तो उसकी कटिंग लगाना, जो पहलवान जीत करके आए देखो ये अनेकों ढेरों, मतलब कम से कम पूरा होल हमारा भरा पड़ा है, जितनी भी भारत की सभी की गुर्ज है, टाइटल है, मेडल है सब। और मैं आपको इस कमरे की खासियत इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जो आया नहीं हो। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं आए, इंदिरा जी स्वयं इसमें आई, राजीव गांधी जी इस कमरे में आए, इस कमरे में जो फोटोएं उनकी लगी हुई हैं। और गुरु जी का खास करके हर चीज़ से, मतलब एक एक आदमी से विशेष, अटल जी यहाँ आए थे और ये इंदिरा जी का साथ गुरु जी फोटो, इंदिरा जी खुद स्वयं आई, राजीव गांधी जी आए और अटल बिहारी वाजपेयी से तो उनका बहुत स्नेह था। मैं बताऊँ आपको, ऐसा हिंदुस्तान का कोई दिग्गज लीडर नहीं जो गुरु जी के इस कमरे में आया नहीं हो। और गुरु जी का ऐसा प्यार था कि गुरु जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, गुरु जी का द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये पुराना टाइम में द्रोणाचार्य ऐसे मिलता था। और अब तो जैसे जितने भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिले वो हमने पहलवानों कह दे भैया अवार्ड तुम्हारे लिए अपने घर में रखो कहीं आगे आने वाली चीज़ में नहीं, बाकी सब पहलवानों के पद्म श्री, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड सब ये रखे थे। अब ये शंकरदयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, इनसे भी इनका बड़ा स्नेह था। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ इतिहास में एक पहला अखाड़ा है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला अखाड़ा है कि ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खाली उन संस्थाओं को देते हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए बहुत ज़्यादा खेल के लिए डेवलप किया। और ये पहला अखाड़ा है, खाली अखाड़ा कि 2014 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से 2014 में गुरु हनुमान अखाड़े को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। वरना ये जैसे इंडियन आर्मी है, रेलवेज है, ये जिंदल ग्रुप है जो खेलों के लिए कितने करोड़ रुपए सालाना खर्च करते हैं, खिलाड़ियों को नौकरी देते हैं, इसी तरह से इस अखाड़े से हजारों हजारों पहलवानों को ऐसी ऐसी नौकरियां मिली जो बहुत उच्च पदों के ऊपर रिटायर हुए। जैसे सतपाल हमारे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर के पद पर रिटायर हुआ, करतार सिंह पहलवान आईजी पुलिस रिटायर हुआ, उसके अलावा जगमंदर, सुदेश, प्रेमनाथ, सतवीर, ये सब डीएसपी, जय भगवान, ये सब डीएसपी, डीसीपी रिटायर हुए। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ जितने भी पहलवान आए सबका मतलब ऐसा है कि उनकी कोई संख्या नहीं है। और इसके अलावा ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनसे गुरु जी का बड़ा लगाव था, वो कई बार गुरु जी से मिलते थे। और ये जो फोटो तस्वीर दिख रही आपको, ये गुरु जी का जन्मदिन, 98वां जन्मदिन उन्होंने गोरखपुर में महाराज जी ने मनाया था।
तो उसमें हम गए थे। ये राकेश पहलवान है जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहीं रहते थे, इंटरनेशनल पहलवान थे, राष्ट्रीय चैंपियन थे। इन्होंने कार्यक्रम करवाया था। गुरुजी को उनकी सेवाओं के ऊपर डिप्लोमा ऑफ डी ऑनर्स फ्रांस में मिला, जो एक बहुत बड़ा अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड होता है, वो दिया गया। जापान में उनको बड़ा अवार्ड मिला, मतलब ऐसा कोई राष्ट्र नहीं उनको जिनने सम्मानित नहीं किया हो। इसके अलावा गुरुजी की ये पोशाक, ये उनका ब्रह्मचर्य का जीवन का जो फोटो हाथ में है, वो डिसिप्लिन के इतने मजबूत थे कि वो बच्चों को एक ही बात कहा करते थे कि भाई मैं करवाता हूँ तो कड़ा हो गया, कड़क हो गया करवाता हूँ, और मैं बाद में प्यार भी बच्चों से ऐसा ही करता हूँ। तो गुरुजी का बड़ा स्नेह था, गुरुजी की बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी। तो उसके बाद में माधवराव सिंधिया जी यहाँ आए कई बार, उनका बड़ा स्नेह था। और ये गुरुजी के 95वें जन्मदिन पर आए थे और 95,000 रुपये दे के गए थे उस टाइम। और कहा गुरुजी आप सताई हो गए तो मैं 1,00,000 रुपये दूंगा सिंधिया ट्रस्ट से। इसके अलावा उमा भारती जी कई बार आई यहाँ पर। और ये गुरुजी का जो तस्वीर है ये सामने आपको दिखाई दे रही है, मैं इस तस्वीर के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ आपको खास करके कि गुरुजी ने सबसे पहले कि हमारे पास रेसलिंग मैट नहीं है, हमें मैट चाहिए, इस मैट के लिए गुरुजी ने हड़ताल की थी और गुरुजी ने सरकार को झुकवा दिया था। तो 1976 में हिंदुस्तान में उस टाइम में मैट थे ही नहीं, खाली 2 या 3 मैट आए थे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक यहाँ आया, एक हिसार में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आया एचएयू में, और एक मैट एनआईएस पटियाला में आया। उस टाइम का मैट गुरुजी ने 1976 में लेके आए थे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी करतार के साथ फोटो है यहाँ आए, और ये के बिरला जी खुद स्वयं ही आते रहते थे। ज्ञानी जेल सिंह जी का फोटो है, ये गुरु जी का डिप्लोमा डी ऑनर्स का जो फ्रांस में जो अवार्ड दिया गया वो फोटो गुरु जी की। और मावली सतपाल पहलवान के साथ मैं आपको दिखाऊँ, मदन पहलवान है साथ में, और ये मावली सतपाल पहलवान की फोटो है। ये भीलवाड़े में कोई कार्यक्रम था, वहाँ मावली सतपाल पहलवान जी और मदन पहलवान जी गए थे। कपड़े हैं, अच्छा ये ट्रंक है ना, इसमें सारी चीजें उनकी सुरक्षित है, मतलब अच्छा सुरक्षित है, कभी भी कोई चीज होती इस ट्रंक में, उनके बर्तन हैं, कपड़े हैं, और हैं कई चीजें इसमें हैं, अवेलेबल है टोटल की टोटल। बर्तन भी है, जैसे ये बर्तन गुरुजी के रखे ना, ये जैसे नीचे लगा रखे, ये सारे के सारे डिनर सेट है, टोटल सेट है, पूरे सब बर्तन गुरुजी के यहाँ रखे हैं। ये कृष्ण कुमार बिरला जी हैं, और यहाँ 1988 में वो आए थे, रामनिवास मिर्जा जी टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और मार्केट और जी खेल मंत्री थी। बिरला जी स्वयं अखाड़े में आए थे और ये कुश्ती के बहुत बड़े दीवाने थे कि भाई गुरु हनुमान ने कह दिया वो लोग की लकीर है। और इस ग्रुप में इनके डेथ के बाद में कुछ चीज़ें नया मैनेजमेंट है और बड़ा परिवर्तन सा हुआ। अगर ये आज जिंदा होते, गुरु जी जिंदा होते, तो ये अखाड़ा एक अपने आप में 5-स्टार अखाड़ा होता, एयर कंडीशन होता, मतलब इनकी बहुत बड़ी तमन्नाएं थी। बिरला के जो वंशज थे, जो बिरला गुरु थे, घनश्यामदास बिरला का लड़का है, तो जी डी बिरला लड़कों में सबसे ज़्यादा शौकीन आदमी था ये। इनका मकसद है कि राम मंदिर बनवाओ, धर्मशालाएँ बनवाओ और अच्छे अखाड़े बनवाओ।